किया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सरकार भी इस भागलपुर महोत्सव को बहुत ढंग से चुंबन कर रही है। आगे भागलपुर महोत्सव, विक्रमशिला महोत्सव, अंग महोत्सव, ये सभी इसकी जननी आप हैं। नागरिक विकास समिति, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि का धन्यवाद। सामाजिक कार्यों में जो आपकी रुचि है, सेवा भाव में जो आप काम करते रहे, सामाजिक और सेवा भाव के लिए और सहिष्णुता के लिए, भाईचारे के लिए नागरिक विकास समिति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग भाई भाई के समान इस बुनकर नगरी की एकता को बनाने में आपने जो कामयाब हासिल किया है, इसके लिए मैं बार बार कोटि से बधाई देना चाहता हूँ नागरिक विकास समिति को, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को यह मंच देने का काम किया है। 14 वर्षों से मामूली बात नहीं है। आज मंच पर विराजमान हमारी छोटी बहना, जिसको प्यार से मैं बहना कहता हूँ, और है भी ये मेयर थी, मैं नगर विकास मंत्री था, मैंने कहा जाओ जितना काम चाहिए उतना काम, और सारा काम इसके हाथों में लगा दिया। सही है ना, बताओ खड़ा हो करके। रात रात भर में जो जो बोलती गई, मैं एक एक बजे रात तक पूरा नोट, मैं केवल एक बार की बात कह करके मैं आपसे क्षमा लूंगा। हमारी बहना डिटेल में आपसे बताएंगी, जो सांसद है राज्यसभा की, क्या कक्षा पूरी थी, या हमारे बिना यादव जो मेयर रह चुकी है और हमारे क्या है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सरकार भी इस भागलपुर महोत्सव को बहुत ढंग से चुंबन कर रही है। आगे भागलपुर महोत्सव, विक्रमशिला महोत्सव, अंग महोत्सव, ये सभी इसकी जननी आप हैं। नागरिक विकास समिति, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि का धन्यवाद। सामाजिक कार्यों में जो आपकी रुचि है, सेवा भाव में जो आप काम करते रहे, सामाजिक और सेवा भाव के लिए और सहिष्णुता के लिए, भाईचारे के लिए नागरिक विकास समिति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग भाई भाई के समान इस बुनकर नगरी की एकता को बनाने में आपने जो कामयाब हासिल किया है, इसके लिए मैं बार बार कोटि से बधाई देना चाहता हूँ नागरिक विकास समिति को, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को यह मंच देने का काम किया है। 14 वर्षों से मामूली बात नहीं है। आज मंच पर विराजमान हमारी छोटी बहना, जिसको प्यार से मैं बहना कहता हूँ, और है भी ये मेयर थी, मैं नगर विकास मंत्री था, मैंने कहा जाओ जितना काम चाहिए उतना काम, और सारा काम इसके हाथों में लगा दिया। सही है ना, बताओ खड़ा हो करके। रात रात भर में जो जो बोलती गई, मैं एक एक बजे रात तक पूरा नोट। यह समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की बात हो, हमेशा ये आगे चलकर काम करती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी भागलपुर में कि नागरिक विकास समिति के एक एक सदस्य और खासकर भाई रमन कर्ण जी हमेशा वहां पहुंचकर और इस तरह का माहौल भागलपुर में बनाया कि भागलपुर में हमेशा सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, चाहे होली मिलन हो या फिर ईद मिलन हो, इनके द्वारा मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि जो अनेकता में एकता की मिसाल कही जाती है, वो हमेशा से भागलपुर में नागरिक विकास समिति ये पेश करता आता है। और साथ ही बनकर इसके पीड़ा को उठाना, इस रजत जयंती के मुबारक मौके पर हम सभी अपने साथियों को मुबारकबाद देते हैं। और हमारे एक साथी जो विभिन्न सामाजिक कार्यों से हर हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन इसके फाउंडर के समय में, स्थापना के समय में हर हमेशा तन मन धन से सहयोग करने का काम किया। हम उन्हें जब भी नागरिक विकास समिति, नगर विकास परिषद से लेकर नागरिक विकास समिति की चर्चा होगी तो उनको एक स्मरण किया जाएगा। ऐसी शख्सियत हमारे बीच यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर के डी प्रभात जी, कृपया आपसे अनुरोध।